सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी महा मैराथन सीरीज़, जिसमें मैं आपको पूरी मतलब जो पूरा सब्जेक्ट है वो एक ही वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक में क्या है, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन भी होती है, उन सबको भी मैं एक एक करके बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप क्या कहते हैं बिल्कुल एक बार में ही देखने की कोशिश करना, ये नहीं कि आधी वीडियो अभी देख ली आधी वीडियो बाद में देख ली, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगी। और सेकेंडली, इस वीडियो में देखने जैसा कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ इसमें विजुअल चीज़ें नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल ईयरफोन वगैरह लगाकर सिर्फ सुनना, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो अब हम आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ से। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग क्या होती है पहले हम इसको जानते हैं। लर्निंग का मतलब होता है हैबिट्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, या किसी भी नई चीज़ को एक्वायर करना, प्राप्त करना, वो लर्निंग होती है। जैसे कि हम लर्न करते हैं एक साइकिल चलाना, ठीक है, तो हमें लर्निंग को समझना है कि बच्चे के अंदर लर्निंग कैसे होगी या लर्निंग क्या होती है उसको समझना है हमें, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो जैसे आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है लर्निंग के बारे में, और पर उसका इसमें इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि आपको लर्निंग का मीनिंग लिखना है या डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट नहीं बोला जाता कि आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, जैसे इस क्वेश्चन में सीधे प्रिंसिपल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछी है, पर फिर भी आप इसको डिफ़ाइन भी करोगे, उसकी डेफिनेशन दोगे, उसका मीनिंग भी आपको बताना ही बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग बता दोगे, जो मैंने आपको मीनिंग बताया और कुछ डेफिनेशंस दी है डिफरेंट राइटर्स ने, वो आपको बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स की जगह ये नेचर भी पूछ सकते हैं, प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, हम लाइन वाइज चलेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कह सकते हो, या क्वेश्चंस के टाइप भी आप समझ सकते हो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेचर क्या होता है लर्निंग का, ये एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हमें प्रोडक्ट मिल गया, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। साइकिल चलाना आप एक दिन में नहीं सीख सकते, उससे धीरे धीरे जैसे प्रोसेस करोगे तब आप सीखोगे। इस पर कई सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, एक गोल होता है हमारे पास, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, यूनिवर्सल होता है, यानी सबके लिए एक तरीके से होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, नेवर एंडिंग होता है, कि कभी ये ख़त्म नहीं होता। तो आप इसमें ये नेचर में लिख सकते हो। अब प्रोसेस क्या होता है लर्निंग का मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक नीड होती है, अगर मुझे साइकिल सीखनी है तो या तो मेरा वो मोटिव है या वो मेरा नीड है, ठीक है, कि मुझे साइकिल सीखनी है। फिर मैं उसके लिए कुछ एक्शंस करूँगी, एक्शन और वेरिड रिस्पॉन्स करूँगी, फिर मैं अपने गोल तक पहुँचूँगी। लेकिन जब मैं एक्शंस करूँगी और अपने गोल तक पहुँचूँगी, उसके बीच में मुझे कहीं बैरियर्स भी मिलेंगे जो मुझे रोकेंगे, शायद मैं गिर जाऊँ, लेकिन उससे मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि मुझे अगली बार क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होते हैं लर्निंग के प्रोसेस, कि लर्निंग कैसे होती है। अब देखो, लर्निंग के प्रिंसिपल्स, या जैसे लर्निंग के जिसको हम लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है, लर्निंग के कितने लॉज होते हैं। बेसिकली लर्निंग के दो लॉज होते हैं, एक होता है प्राइमरी लॉज, जो मेन लॉज होते हैं, एक होता है सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में कौन से लॉ आते हैं, जैसे सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चा खुद रेडी होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब क्या है इसमें साथ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है, कि आप लॉ ऑफ रेडीनेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोगों को अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक बार हमने बच्चे को कुछ सिखा दिया और हम उसे रिवाइज नहीं करा रहे तो भी बच्चा भूल जाएगा, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसका प्राइमरी लॉ के अंडर ही आता है। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट है, यानी कि बच्चों को हमने सिखा तो दिया बट वो डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, वो हमें बच्चों को सिखाना है। फिर सेकेंडरी लॉज जो होते हैं, जैसे ये इतने इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, एटीट्यूड, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एनालॉगी और पार्शल एक्टिविटी, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब देखिए, सेकेंडरी लॉ में जो कुछ मेन लॉज हैं वो हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि जब बच्चा एक सिचुएशन में आता है तो उसके सामने कई सारे
ऑप्शंस होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, वो होता है मैनी रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, बच्चा किस एटीट्यूड्स के साथ उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये सब होता है इसमें। अब देखो लर्निंग थ्योरी, हम लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वॉटसन की लर्निंग थ्योरी है, ट्रायल एरर थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, कुछ भी आ सकता है। मैंने सिर्फ इसमें एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग को लेके करा है। क्लासिकल के बारे में आपको बताना है कि उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आप क्लासिकल कंडीशनिंग को अपनी एजुकेशन में या अपनी टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने क्लासिकल इम्पॉर्टेंट बताया, नहीं, मैंने बताया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा कि क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करो, पर फिर भी हमें एक्सप्लेन करना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ट्रायल एरर होता है इसमें, ठीक है, ट्रायल एरर मेथड्स होता है। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर आप इसमें पजल बॉक्स, थॉर्नडाइक द्वारा जो पजल बॉक्स वाली एक्टिविटी करवाई गई थी वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कैसे लगते हैं इसमें, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मोटिवेशन कैसे लगता है। ऐसी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वो आपको डॉग वाली बतानी पड़ेगी, ठीक है, जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, और ठीक है ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है किसी भी थ्योरी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में आपको रैट वाला एग्जांपल या फिर पिजन वाला एग्जांपल, जिसमें उसको कभी कभी शाफ्ट ओपन होती है और फूड मिलता है, इसके बारे में बताना है। रीइंफोर्समेंट वगैरह, शेपिंग, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बच्चों को वापस बढ़ावा देना, शेपिंग, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये सब आपको बताना है इसमें, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थ्योरीज़ के बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। तो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है, एससीईआरटी ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया है, तो ये आपको अपनी बुक्स में भी एग्जैक्ट मिल जाएगा। और किसी थ्योरी के बीच में भी ये डिफरेंस दे सकते हैं कि आपको मेजर या माइनर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप दोनों थ्योरी को थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करेंगे और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस बताएंगे। नेक्स्ट है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने कोलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी, जिनको उन्होंने नाम दिया था सुल्तान, उस मंकी चिंपैंजी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपको बताना है उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या फैक्टर्स हैं जो इनसाइड थ्योरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज थी इसमें। साथ ही में इस पहली वाली यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है एबिलिटी टू एडजस्ट, एक बच्चा कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। बच्चा ही नहीं, यहाँ पे बेसिकली हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसलिए बच्चा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर सबके लिए कि वो कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में वो दूर दूर तक की चीज़ें सोच सकते हैं जो कि उन्होंने विजिबल भी नहीं है, उनको माइंड में वो सोच के आंसर दे सकते हैं। या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी है इस यूनिट में, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में है। कन्वर्जेंट में यानी कि एक क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर होता है, उसका एक ही आंसर होता है एक क्वेश्चन का, ठीक है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक क्वेश्चन का डिफरेंट रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। जैसे हम किसी से बोलेंगे कि किसी ने, जैसे आपने वो हेंज वाली स्टोरी भी पढ़ी होगी कि वो अपनी वाइफ के लिए ड्रग्स की चोरी करता है, तो उसमें अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो वो होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे ये क्वेश्चन आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, इन्होंने डायरेक्ट मीनिंग पूछ लिया इंटेलिजेंस का और उसके फाइव टाइप्स पूछे। तो इंटेलिजेंस आप बता सकते हो कि एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को जनरेट कर पा रहे हैं, और एक सेटिंग में, कल्चर सेटिंग में रह पा रहे हैं। फिर जैसे इन्होंने कोई भी फाइव टाइप्स पूछी है, अब देखिए आपको वो फाइव टाइप्स वो बतानी है, सपोज इसमें 6, 7, 8, 9 जितनी भी टाइप्स हैं आपको सारी आती हैं, लेकिन आप फाइव कैसे सिलेक्ट करें कि मैं कौन सी एक्सप्लेन करूँ। ऐसी टाइप सिलेक्ट करना जिसमें आप ज़्यादा लिख सकें, जितने ज़्यादा लिखोगे, ये सिर्फ बोलने की बात होती है कि जितना आप कम लिखोगे, या फिर 100 words का है तो 100 words ही लिखे, हाफ पेज लिखा, ऐसा नहीं होता। ये बस फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप गेन करोगे, ठीक है। तो फाइव टाइप्स में वो टाइप लिखना जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होगा, हम दूसरों के इंटेंशंस, मोटिवेशन, इमोशन, डिज़ायर,
समझते हैं लोगों की, लेकिन मैं बस इसमें इतना ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको, इस इंटेलिजेंस को ना लिखूँ। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसको ना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को चूज़ करूँगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। बेसिकली जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो एक पर्पज़ से पढ़ाया जा रहा है कि हम उसे डेली लाइफ में बच्चों के ऊपर कैसे अप्लाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट 5 में तो यही था, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, यानी पहले हमें लर्निंग को समझना है। अब हम मूव करते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ, या टॉपिक 2 की तरफ, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग की क्या प्रोसेस होती है और उसे कौन कौन डिटरमाइन करता है, कौन उसे इफ़ेक्ट करता है। देखिए, अगर हम इस यूनिट को ओपन करेंगे तो सबसे पहला हमारा नीड आता है कि नीड क्या होती है। नीड होती है ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। अगर आपको प्यास लगी है तो आपके पास पानी की कमी है, या आपको पानी पीना है तो कमी है ना किसी चीज़ की। तो नीड का मतलब बेसिकली किसी कोई भी लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग मीन्स नीड। ठीक है, तो जैसे कि हम थक गए तो हमें रेस्ट की कमी है हमारे पास, तो वो हम लेंगे। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। और जैसे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार, मैस्लोस हायरकल मॉडल ऑफ नीड बताओ, जिसमें सबसे पहली हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब फूड चाहिए मुझे, वाटर चाहिए, जिसके बिना मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती। सेकेंड होती है, मुझे फूड और वाटर तो मिल गया लेकिन मुझे खतरा है किसी चीज़ से। ठीक है, टेररिस्ट आते हैं इस एरिया में, कि मतलब मुझे किसी चीज़ से खतरा है, तो मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए। मुझे मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, सिक्योरिटी नीड्स भी पूरी हो गई, अब मुझे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स चाहिए। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई अपना नहीं समझेगा, तो उसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अभी तीन नीड्स हमें पूरी हो गई। नेक्स्ट है हमारी एस्टीम, मुझे एक सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, वो हो गई हमारी एस्टीम नीड्स। और जब ये सब मिल जाता है ना, तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कुछ लोग होते हैं ना शांति को ढूंढने जा रहे हैं, मोक्ष ढूंढने जा रहे हैं, तो वो यही नीड होता है, जिसमें वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ज़्यादातर ये एक एज आने के बाद 40 या 50 प्लस के बाद लोगों के अंदर आता है, कि वो अपना अनुभव बताते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसमें यही आ सकता है। अब नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और नीड में डिफरेंस होता है। नीड होता है मैं किसी चीज़ की ज़रूरत है, इंटरेस्ट मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। सपोज़ मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, कोई भी एक सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, मुझे प्यास नहीं लग रही बट मेरा मन कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट है उसे पीने का। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं थर्स्टी हूँ, मेरी नीड नहीं है उसे पीने की, लेकिन मेरा मन है उसे पीने का, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो ऐसे ही इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, मेमोरी, फॉरगेटिंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो भी इस यूनिट में है, उससे वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है। जैसे सबसे पहले हम इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, हर एक इंटरेस्ट, इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है, ये तो इंटरेस्ट का मैंने मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट होता है एटीट्यूड, यानी मैं एक चीज़ से कैसे डील करती हूँ, द वे, या फिर एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड है मेरा एक कंडीशन के थ्रू, एक कंडीशन पे मेरा क्या एटीट्यूड है, मैं कैसा रिस्पॉन्स करती हूँ, तो वो होता है हमारा एटीट्यूड। जैसे एक बच्चा है, जब भी उससे कोई बोलता है वो लड़ने को दौड़ता है, तो वो उसका एक एटीट्यूड फॉर्म हो गया। ठीक है, एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन होती है अंदर से प्रेरणा, जब हमारे अंदर आए हम मोटिवेटेड हो, सिर्फ अंदर से ही नहीं, एक बाहर से भी मोटिवेशन होती है, इंटरेस्टिंग और एक्सट्रिक्शन। ठीक है, तो मोटिवेशन होता है कि हमें को प्रेरणा जो हो, इसमें आपको मोटिवेशन साइकिल पूछ सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हमारा फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग देखो, फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग मतलब जब हम कोई चीज़ भूल जाए। ठीक है, फॉरगेटिंग से पहले मे भी एक टॉपिक मिस हो गया है, वो है मेमोरी, लेकिन अब मैं फॉरगेटिंग ही बता देती हूँ। फॉरगेटिंग मतलब जब बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं और वो जल्दी जल्दी भूल जाता है, उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। क्या उसके कॉजेज होते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, अब होता है मेमोरी, यानी कि हमारा माइंड में स्टोरेज पावर, जिसको हम बेसिकली कहते हैं। तो फोर ऑपरेशंस होते हैं मेमोरी के, एक लर्निंग, पहले हमने कुछ सीखा, उसके बाद उसे रिटेन करके रखना है, हमें स्टोर करके रखना है अपने माइंड में। फिर अब हमने स्टोर तो कर लिया, लेकिन रिकॉल नहीं, याद नहीं कर पा रहे, जो कि फॉरगेटिंग होती है। और रिकॉग्नाइज, जो हमने सीखा उसे रियल लाइफ में भी हमें अप्लाई करना है। फिर होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब एक जगह से सीखी हुई चीज़ जब मैं दूसरी जगह अप्लाई करूँगी, उसको मैं बोलूँगी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कई तरीके की होती हैं, टाइप्स भी इसमें बेसिकली पूछ ली जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में से। जैसे सबसे पहले होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें कि एक लर्निंग, जैसे मैंने साइकिल चलानी सीखी तो मेरे को दूसरी चीज़ में हेल्प मिलेगी, दूसरी चीज़ होगी मेरी स्कूटी चलानी,
तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। जैसे एक जना राइट हैंड से लिखता है तो उसको दूसरा लेफ्ट हैंड से लिखने में प्रॉब्लम होती है, इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है थर्ड टाइप। ज़ीरो ट्रांसफ़र में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ मैंने कुकिंग सीखी और कुकिंग सीखी मैं डांस सीख रही हूँ, तो कुकिंग और डांस रिलेटेड नहीं है, इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरी लर्निंग पे। फिर होता है हॉरिजॉन्टल ऑफ लर्निंग, एक होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में लर्नर जो होता है सेम कैटेगरी में रहता है। जैसे कि टीचर, एक टीचर ने एक टॉपिक सीखा और उसने अपने ही कलीग को कुछ वही टॉपिक समझाया, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होगा। और वर्टिकल ट्रांसफ़र में प्रिंसिपल ने टीचर को बताया, टीचर ने बच्चों को बताया, ठीक है। और बायलेटरल ट्रांसफ़र में मैं एक बॉडी पार्ट से जब हम दूसरी बॉडी पार्ट तक आए, ठीक है, वो होता है बायलेटरल। तो ये जो हैं ये टाइप्स भी आ सकते हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, यही है इंटेलिजेंस, अटेंशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये हमारी लर्निंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो यूनिट टू बहुत ईजी है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें आप लोगों के मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यूनिट थ्री है हमारी लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा, जिससे हम एक व्यक्ति के मन में क्या है या वो हमें क्या एक्सप्रेस करना चाहता है वो हम सुने एक मीडियम के थ्रू, ठीक है। वो किसी भी मीडियम से बोल सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है। तो लैंग्वेज लर्निंग कैसी होनी चाहिए? अब लैंग्वेज में क्या होता है, वोवल, साउंड, कॉन्सोनेंट्स, हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार हम वो देख लेते हैं, फिर हम हर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग? क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट? चलो पहले इसी को कर लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सपोज़ एक बच्चा पैदा होता है इंडिया के किसी एक एरिया, सपोज़ दिल्ली में वो पैदा होता है, और वो एक हिंदू फैमिली है जिसमें उसके पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, तो वो बच्चा जो है वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा ऑटोमेटिकली उसे एक लैंग्वेज आती होगी जो कि होगी हिंदी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से उसने हिंदी सीखी। तो वो हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हमें बिना किसी एफर्ट्स के एक लैंग्वेज को सीखने को मिलता है। अब वही बच्चा बड़ा होता है और उसके स्कूल में 6 के बाद एक लैंग्वेज न्यू ऐड हो जाती है हिंदी और इंग्लिश के अलावा, जो कि है फ्रेंच या संस्कृत। तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ उसे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो लैंग्वेज उसे सीखनी पड़ेगी। बेसिकली एक्विजिशन उसने खुद एक्वायर करी, लर्निंग में उसे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है। तो ये हो गया लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट? ठीक है, पहले आप दोनों का मतलब बता देंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन का, लर्निंग का, और क्या क्या फैक्टर्स उसे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया या होम एनवायरनमेंट हो गया, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या स्टेजेस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमेंटिक्स में सिंबल्स को समझते हैं, सिंटेक्स में और रूल समझते हैं हम, ग्रामर समझते हैं, प्रोडक्टिविटी में हम कैसे वर्ड्स को यूज़ करें, कैसे सेंटेंस फॉर्म करें, और डिस्प्लेसमेंट में अपनी नॉलेज का ट्रांसमिशन हम देखते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, वो किस किन से मिलके बना है, ये आपको पढ़ना है। अगर मैं कोई टॉपिक आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही तो उसके बारे में भी आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। क्या स्टेजेस होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की? जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले रोने से स्टार्ट करता है, फिर वो कुछ कूइंग एंड बैबलिंग करता है, कूइंग मतलब छोटी छोटी आवाज़ निकालता है वो, फिर वो मूवमेंट्स करता है, जेस्चर्स करता है, उसे बुलाना होता है तो वो अपने हैंड मूवमेंट करता है, तो वो होती हैं बॉडी मूवमेंट्स। तो क्या क्या स्टेजेस होती है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? ये मैंने आपको बता दिया, उसके कंपोनेंट्स के साथ बताना है। और जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर आप अपने क्वेश्चन पे मूव करना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ? लैंग्वेज के रियल लाइफ में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसका रोल है? कम्युनिकेट करने के लिए, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए, ये सब आपको बताना होगा। और टीचर का रोल क्या होता है, ठीक है, टीचर कैसे इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को? जैसे कि अगर टीचर क्लियर बोलेगी अच्छे से तभी बच्चा अच्छे से बोलेगा, ठीक है। टीचर जो है अगर वो प्रोनंस गलत करेगी तो बच्चा भी गलत प्रोनंस करेगा, तो आपको ये सब रोल बताने होंगे। ये थी हमारी यूनिट 3। नेक्स्ट है, अब जो हमारी यूनिट 4 है उसकी हेडिंग है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में हम जानेंगे।
बेसिकली गाइडेंस और काउंसलिंग का बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। ये दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत मीनिंग इनका सेम है, लेकिन गाइडेंस में ना बच्चे को हम एक राह दिखाते हैं जब वो कन्फ्यूज़ हो, और काउंसलिंग में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस चीज़ से वो डील कर रहा है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में। कई लोगों ने डेफिनेशंस भी दी है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करा है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कुछ नेचर है गाइडेंस का कि एक प्रोसेस होता है, लंबा एक प्रोसेस होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इसमें ट्रेंड पर्सन जिसको हम काउंसलर गाइडर्स बोलते हैं वो होने चाहिए। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं हमें गाइडेंस के टाइम पे। ठीक है, गाइडेंस की क्या अजम्पशंस है कि गाइडेंस यूनिवर्सल नीड है, सबको ज़रूरत है, हर एक इंसान अलग है, सबकी डिग्निटी अलग है। मतलब अगर कोई एक इंसान दूसरे तरीके से सोचा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नीचा है। ठीक है, तो सबका स्टेटस एक ही है, ये हम बताता है गाइडेंस। अब फंक्शंस क्या है गाइडेंस के, ओरिएंटेशन, एडजस्टमेंट और डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको भी पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो जैसे इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस, एक्सप्लेन इट्स नेचर, फंक्शंस एंड नीड, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि गाइडेंस को एक्सप्लेन करके उसके नेचर, फंक्शंस और नीड बतानी है। अब नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस टेक्निक। आपको ये बताना है कि इंडिविजुअल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस क्या होती है और उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो देखो, ग्रुप गाइडेंस मतलब पूरे जब एक ग्रुप को गाइडेंस दी जाए। सपोज एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप वो स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करनी है, तो वो ग्रुप गाइडेंस हो गई। नेक्स्ट होती है इंडिविजुअल गाइडेंस की एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, वो कन्फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। मैंने समझ तो दोनों को, तीनों स्ट्रीम्स को लिया, बट अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इन तीनों से चुनूँ कैसे इन तीनों के बीच में। तो ये होता है इंडिविजुअल गाइडेंस कि हम उसको समझाएंगे। ठीक है, अब देखो इनके बेनिफिट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस भी पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अब ये हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन बताना है गाइडेंस और काउंसलिंग में, वो मैंने आपको बता दिया, और बुक में भी एक टेबल दी हुई है, वहाँ से भी जाके आप लोग पूछ मतलब वहाँ पर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। अब तीन तरीके की काउंसलिंग के बारे में दे रखा है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ कि अगर डायरेक्टिव टेक्निक का है, तो डायरेक्टिव टेक्निक में जो काउंसलर होता है वो अपनी बात बच्चे को समझाता है, वो जो सुनवाना चाहता है बच्चे को। ठीक है, अगर नॉन डायरेक्टिव आए तो वो बच्चे की सुनेगा और बच्चे के लिए सूटेबल सॉल्यूशंस देगा। और इलेक्टिव जो होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, दोनों आपस में मिलके कंक्लूजन पे आते हैं। अब इसी यूनिट में है एग्रेशन क्या होती है, बुलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, डेलिक्वेंसी, ट्रांसी, इसके मीनिंग, फैक्टर्स, कॉजेज, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में भी एक टॉपिक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो क्या होता है आप वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए, एग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। एग्रेशन क्या होता है, गुस्सा, जब एक क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में बच्चा एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं, एक नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रेशन, जिसमें वो हिट भी कर सकता है, बाइट भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है, अपने आप को भी मार सकता है। ठीक है, तो क्या है, इसके कॉजेज हैं और क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है बच्चे पे, और इसमें ये भी आ सकता है कि आपके सामने एक एग्रेसिव चाइल्ड है तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। ऐसी बुलिंग क्या होती है, किसी को छेड़ना, परेशान करना, वो वर्बल भी हो सकती है, बोल के भी हो सकती है। सोशल बुलिंग मतलब सबके सामने भी हो सकती है। फिजिकल बुलिंग मतलब मार के भी हो सकती है, वर्बल में उल्टा सीधा बोलना, गालियाँ देना, सोशल में बाकी बच्चों को बोलना कि इसका दोस्त मत बनो, या सबको पब्लिक में इंसल्ट करना किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, और फिजिकल में हिटिंग करना मतलब मारना पीटना, ये सब हो सकती है। क्या कॉजेज हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे बुलिंग के, और उसको कैसे रोका जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और आपके सामने बुलिंग हो रही है तो आप कैसे रोकोगे। फिर है सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब ड्रग्स वगैरह, या बच्चों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, स्मोकिंग की आदत लग जाती है, ड्रिंकिंग की आदत लग जाती है, तो वो आदत लगती क्यों है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, और हम ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्या मेजर्स यूज़ करें, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
नेक्स्ट है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का क्या मतलब? बेसिकली एक बैड बिहेवियर जो बच्चे शो करते हैं अपने क्लासरूम में, वो होता है डेलिक्वेंसी, या जो ऐसा अनवांटेड बिहेवियर होते हैं बच्चों के। ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्यों ऐसा होता है, घर की वजह से ऐसा हो रहा है, स्कूल में ऐसा कोई रीज़न है, या उसके नेबरहुड में ऐसा कोई रीज़न है, क्या रीज़न है, ये आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व हमें करना है। ठीक है, घर में ही हम पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के साथ कुछ बच्चे की प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को हम क्या सजेशन दें, स्कूल में तो स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमें देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रुएंसी की प्रॉब्लम। ठीक है, स्कूल से एब्सेंट रहना ट्रुएंसी होता है, स्कूल नहीं आ रहे बच्चा, क्यों नहीं आ रहा, घर के कारण की वजह से, कोई स्कूल का ही कारण है, या सोसाइटी में कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, ये हमें पहले जानना है। जब हम जानेंगे कि अगर बच्चा स्कूल की वजह से नहीं आ रहा, तब हम उससे रिलेटेड रेमेडी लाएंगे। अगर हमें पता चलता है कि घर में कुछ ऐसा कारण है कि वो नहीं आ पा रहा, तो हम वो रेमेडी लाएंगे। तो पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एक बच्चा है वो स्कूल नहीं आता, और उसे घर पेरेंट्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते आपकी बात का, पेरेंट्स से वो नाराज़ रहता है, कुछ ऐसा होता है, वो स्कूल नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी तो वो हमें प्रॉब्लम दे देंगे कि बच्चे को घर की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्व करना है। कभी कभी उसमें क्वेश्चन होगा कि एक बच्चा बहुत एब्सेंट रहता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको पहले ट्रुएंसी का मीनिंग बताना है, फिर बोलना है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका मेन कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, फिर हमें रेमेडियल स्टेप्स चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही है इसमें बस, कि गाइडेंस और काउंसलिंग स्कूल में कैसी होगी, पेरेंट्स की कैसी होगी, क्या एक्टिविटीज़ और मेथड्स हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ही बच्चे को अराइज ना हो, क्या टीचर का रोल है गाइडेंस में। तो ये सब था हमारी यूनिट 4 में। अब मूव करते हैं यूनिट 5 में, जो कि है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसमें हमें हर एक टाइप के बच्चे को इंक्लूड करके पढ़ाना होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन यूजिंग इट्स प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस। यानी कि आपको ये बताना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, कब उसका कॉन्सेप्ट राइज हुआ, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या मीनिंग है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसमें हमें हर एक टाइप के बच्चे को, अगर किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, जैसे ऑटिज़म है, या लोकोमीटर इम्पेयरमेंट है, हाइपर एक्टिव है बच्चा, सबको इंक्लूड हमें करके चलना है। तो क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन में चाइल्ड फ्रेंडली मेथड अपनाना है, सब बच्चों के, सब कल्चर्स को इंक्लूड करके चलना है, बच्चों के नीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सब आपको बताना होगा। बेसिकली 7 मेन प्रिंसिपल है कि टीचिंग ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करो, प्रिजुडिस मतलब भेदभाव मत करो, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मटेरियल यूज़ करके बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को कल्चर और रिलीजन के बारे में जानो और उन्हें समझाओ बाकी के बारे में, और लेसन को इंटीग्रेट करके चलो बाकी से। तो ये सब इसके कुछ 7 मेन सिद्धांत हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन जो हमारा टॉपिक आता है यूनिट 5 में, वो कुछ 7 to 8 टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ अलग बच्चे जो होते हैं हमारी क्लास में बाकियों से अलग, वो कौन होते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, लेफ्ट हैंडर्स भी अलग लोग होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ होते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अंडर अचीवर। इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी इन प्रॉब्लम से क्या इनकी लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या लर्निंग में इफ़ेक्ट हो रहा है, वो हम जानेंगे। सबसे पहला होता है गिफ्टेड स्टूडेंट, क्या पता वो माइंड से अलग हो, उनका माइंड जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करता हो, ठीक है, वो भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनका IQ थोड़ा कम हो बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस वजह से वो गिफ्टेड हैं, क्या कारण रहा, बचपन से ही हैं, बॉर्न होते ही हैं या बाद में रहा, ये देखना है। ठीक है, फिर उनकी फिजिकल कंडीशंस कैसी है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे बिहेवियर्स वो शो करते हैं, क्या किस तरीके से वो लर्निंग करना पसंद करते हैं, क्या उनके लिए हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, क्या उनके लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, और उनके बारे में क्या मिथ हैं, क्या एजम्पशंस हैं, या क्या अफवाह है, जैसे कि वो पसंद नहीं करते, या वो अलग से ही दिखाई देते हैं क्लासरूम में, वो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट्स में अच्छे भी आएंगे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, क्रीमी लेयर होती है वो एक क्लासरूम की, टैलेंटेड होते हैं। तो ये कुछ अफवाहें हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ अच्छे ही होते हैं। अब देखो, नेक्स्ट होते हैं लेफ्ट हैंडर्स। तो ज़्यादातर इंडिया में 85 to 95% जो हैं हमारे राइट हैंडर्स होते हैं, तो उनके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो कि होते हैं लेफ्ट हैंडर्स।
ठीक है, वो दूसरे हाथ से अपना लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, सोशली पावरफुल होते हैं वो, तो ये कैटेगरी वो पूछ सकते हैं कि आप कुछ एग्जांपल्स दो कुछ ऐसे लेफ्ट हैंडर्स का, जैसे कि नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, ये सब भी लेफ्ट हैंडर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आप इनके एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या अफवाहें हैं, लेफ्ट हैंडर्स होने के क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे जो मनाया जाता है वो होता है अगस्त 13 को। नेक्स्ट है स्लो लर्नर्स, जो बच्चा थोड़ा लेट समझते हैं, लेट सीखते हैं, क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी थोड़ी लेट डेवलपमेंट होती है, सोशली वो कम रहते हैं, पर्सनल में भी फ्रस्ट्रेशन रहती है उनके अंदर, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए क्या रेमेडीज़ है, ये सब भी आ सकता है। और टीचर्स उनके लिए क्या करें, पेरेंट्स उनके लिए क्या करें, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ये वो लर्नर्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली में वो पहली ऐसी पीढ़ी हैं जो स्कूल जा रहे हैं, मतलब उनके पापा दादा ये सब लोग कभी स्कूल नहीं गए, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी फैमिली में कभी कोई स्कूल ही नहीं गया, उनको कुछ भी नहीं पता स्कूल के बारे में, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इन बच्चों के लिए हम क्या करें, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके को हम कैसा एनवायरनमेंट दें, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, बट उन्हें थोड़ी गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती। फिर होता है अंडर अचीवर्स, जो मार्क्स नहीं ला पा रहे, जिनकी IQ कम रहती है, एवरेज जिसको बोल सकते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ाई में, मोटिवेशन नहीं रहती, तो क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अंडर अचीवर्स के, क्या एनवायरनमेंट के ऐसे कॉजेज़ हैं जो एनवायरनमेंट अचीवर्स को ऐसा बनाते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उनके लिए क्या ऐसे प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं, ठीक है। अब इसमें यही है कि क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, जो एक चीज़ से नई नई चीज़ बना पाए, क्रिएटिव बच्चों को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, मतलब क्रिएटिव बच्चे ना डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, कई सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं वो एक पॉइंट का, और उनको हम कैसे बढ़ावा दें, ठीक है। और इस यूनिट में ही एक लास्ट टॉपिक था चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी होती है, देखो तीन चीज़ होती है, एक होता है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। देखो इम्पेयरमेंट में एक छोटी मोटी इंजरी जिसको हम बोल सकते हैं वो आती है, डिसेबिलिटी में जब हमें काम नहीं कर पाए, एक काम करने से हम डिसेबल होने से, चलने से, लिखने से, वो होता है डिसेबिलिटी। और हैंडीकैप होता है जैसे एक ब्लाइंडनेस, तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते तो वो ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन डिसेबिलिटी में हम पूरी तरीके से देख लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं होता, डिसेबिलिटी में हम थोड़ा बहुत उस चीज़ से काम कर सकते हैं। तो ये तीनों ना अलग चीज़ होती है, पर इनको ना बोला या यूज़ करा सेम एक साथ जाता है, इस वजह से कन्फ्यूजन भी हो जाती है, तो कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इन तीनों के बीच में। अब क्या भेदभाव होते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ, जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए उन बच्चों के साथ क्या भेदभाव होते हैं, और क्या उनके तरफ अवधारणाएँ हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, टीचर्स का क्या रोल है, नेबरहुड का क्या रोल है, क्या पेरेंट्स और फैमिलीज़ का रोल है उनके तरफ, तो ये सब था इस वीडियो में। होप है आपको समझ आई होगी। और ये पूरा जो टॉपिक है हमारा, जो पूरा बुक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।